अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। पूर्व नगर पार्षद एवं सामाजिक कार्यकर्ता देवेंद्र गुप्ता ने शहर के हॉस्पिटल रोड स्थित श्री गोपाल कृष्ण गौशाला में अपना जन्मदिन मोक्षदानी गौ माताओं के सन्निधि में मनाया। इस अवसर पर गौ माताओं के आचार्य सुमन बाबा के मार्गदर्शन में अपने हाथों से उनका विधिवत पूजा अर्चना किया और गौ माताओं को अपने हाथों से गुड़, चना एवं चोकर और फल खिलाकर उनको तृप्त कर अपना जन्मदिन मनाया। वहीं श्री गोपाल कृष्ण गौशाला को 11,000 रुपया का चेक गौशाला के विकास के लिए दिया। पूर्व वार्ड पार्षद ने समाज को यह संदेश दिया कि आदमी अपने जन्मदिन पर लाखों रुपए खर्च करता है और अपने जीवन के कमाई का कुछ हिस्सा उत्सव त्यौहार में खर्च कर खुशी मनाता है, तो उसी में से कुछ बचाकर गौ माताओं की सेवा में लगाया जाए तो गौ माताओं की भी रक्षा हो सकेगी, उनका पालन पोषण भी हो सकता है। इस अवसर पर श्री गोपाल कृष्ण गौशाला के कोषाध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि देवेंद्र गुप्ता ने जो आज काम किया है उससे समाज के लोगों को प्रेरणा मिलेगी और वो लोग भी गौ माता के लिए समर्पित होंगे और गौशाला के विकास के लिए आगे आएंगे। इसके लिए देवेंद्र गुप्ता को बहुत बहुत साधुवाद। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश, अभिषेक कुमार सिंह संयोजक रामदेव विचार मंच, विकास कुमार साहू जिला अध्यक्ष मानव अधिकार संगठन, गणेश कसेरा नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, राम बाबू प्रसाद गुप्ता सैनिक प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी, टुनटुन कुमार, मुन्ना कुमार बनवाल वगैरह लोग उपस्थित थे। आज जन्मदिन के मौके पर मैंने सबसे पहले आज गौ सेवा के लिए गौ पूजन किया है और जो ये सिवान का श्री गोपाल कृष्ण गौशाला है, सैकड़ों वर्ष हमारे सिवान के पूर्वजों ने इसका निर्माण कराया था कि जहाँ जो दूध ना देने वाली गाय है उनको संरक्षण रखा जाए, संवर्धन किया जाए। आज यह गौशाला जिस अवस्था में पहुंच चुका है, पहले के लोग दानवीर हुआ करते थे, बीच के परिस्थितियों में हम व्यक्तिवादी सोच के हो गए हैं और इस सोच के तहत आज मैंने इस गौशाला में गौ पूजन करके सभी गायों को मैंने भोजन कराया है, चोकर है, फल है, मीठा है, जो भी गुड़ है, और साथ ही साथ इस गौशाला में मैंने आज 11,000 रुपया आर्थिक सहयोग के रूप में, एक छोटा सहयोग है गौशाला के लिए, लेकिन एक सांकेतिक रूप में है कि 11,000 रुपया मैंने आज गौशाला को आर्थिक सहयोग किया है, इसलिए कि आने वाला जो बरसात का दिन है गौशाला के लिए बड़ा दुर्दिन का दिन होता है सभी गौशाला पदाधिकारी के लिए, गायों के लिए, उसमें लगे कर्मचारियों के लिए, चारों तरफ पानी फैल जाता है, तो एक टीन का शेड का निर्माण कम से कम इन बरसात में इन गायों को यहाँ बचा के रखा जा सके, इसमें 11,000 रुपया के मेरे तरफ से सहयोग हुआ। और मैं आपके माध्यम से, आप सभी मीडिया कर्मी मित्रों के माध्यम से जो लोग इस खबर को देखेंगे, आप लोगों से निवेदन है दर्शकों से कि आप किसी भी खुशी के मौके पे, जन्मदिन हो, विवाह का वर्षगांठ हो, पिताजी का पुण्यतिथि हो, कोई भी ऐसा कार्य हो जिसमें आप दान पुण्य करना चाहते हैं, तो गौशाला के दान का बराबरी कुछ नहीं हो सकता। गाय जो है गो पूजन है, गो सेवा जो है मोक्षदायिनी है, इसलिए आप यहाँ दान की परंपरा शुरू करें किसी भी खुशी के मौके पे या और किसी मौके पे जिसमें आप दान करना चाहते हो। कम ही सही, आप एक केक काटते हैं तो छोटीन प्रतिदिन सिवान में आता है और हम कई हजार रुपये उस जन्मदिन के मौके पर हम लोगों में बांट देते हैं, लेकिन ये जो गौशाला, जो मोक्षदानी हमारी गौ माता है, वो बदहाल स्थिति में गौशाला है। आपके सहयोग से गौशाला फिर समृद्ध हो सकता है और गौ की सेवा होने से ये समाज का भला होने वाला है, इसलिए निवेदन फिर से कर रहे हैं कि आप गौशाला में अपना जरूर दान अवश्य करें। देखा जाता है आजकल लोग अपना स्टेटस बनाने के लिए पार्टी करते हैं, बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं, बर्थडे करते हैं, आप गौशाला को ही क्यों चुने जन्मदिन मनाने के लिए? नहीं, मैं तो पिछले कई वर्षों से गौशाला में पूजन करते आता हूँ और मैंने बीच में एक साइकिल यात्रा करके हर घर जाके रोटी मैंने मांगना शुरू किया और रोटी के लिए मेरा संकेत गौशाला से नहीं था। आप देखेंगे सड़क पर घूमिएगा
तो कई ऐसे जगहों पे रोटियां दो चार ऐसे लोग फेंक देते हैं और वो कूड़ा में जाता है। और आप कूड़ा उठा कर देखिएगा वो शहर के बाहरी रोडों में कूड़ा में आग लगा है, वो सारा अन्न से लगा हुआ आग है। आग अन्न जो सड़ता है उससे आर्सेनिक गैस बनता है और आर्सेनिक गैस में फ्लेम आता है और इस वजह से प्रदूषण बहुत काफी होता है। आप जो रोटी आपके घर बचता है, सब्जी का टुकड़ा बचता है, कहीं ना कहीं बगल में गाय हो बकरी उसको ले जाकर पहुंचा दीजिए, आप पर्यावरण में भी सहयोगी बन सकते हैं। इतना गर्मी पड़ रहा है, बहुत सारे गाय जो बाहर घूमती हैं प्यास से मर जा रही हैं, ऐसे लोगों से क्या अपील करेंगे? जो लोग गाय को पूछ नहीं रहे हैं, पानी नहीं पिला रहे हैं, ऐसे लोगों से क्या अपील करेंगे? नहीं, सबसे बड़ी बात विडम्बना ये है कि वो जो गाय घूम रही है वो लवारिस गाय नहीं है, वो किसी न किसी व्यक्ति को द्वारा छोड़ी गई गाय है और उनको केवल उससे दूध से मतलब है। दिन भर गाय चरती है, उनके घर जाती है। हालांकि शहर के लोग अपने दरवाजे पर रोटी कोई फल, हमने देखा कई जगह कि लोग रोटी फल खिलाते हैं, पानी भी पिलाते हैं और उसी गाय का दूध वो मालिक दूधता है। वो इतना पाप का भागी है और उस व्यक्ति पर दंडात्मक कार्रवाई करानी चाहिए। लोगों को, समाज के लोगों को जागरूक होना चाहिए और चिन्हित करना चाहिए गाय किसकी है और उस पर कार्रवाई करना चाहिए। ये जो सामाजिक हमारे कार्यकर्ता हैं है ना, समाज के लिए हमेशा प्रेरित रहते हैं, समाज को प्रेरित करने के लिए, और इन्होंने एक बहुत अच्छा पहल किया है कि जन्मदिन इन्होंने गौशाला में मनाया। गायों के लिए चोकर, गुड़, फल वगैरह की व्यवस्था किया इन्होंने और जितनी भी यहाँ गाय है वो लोगों द्वारा छोड़ दिया जाता है। वो 10 साल दूहते हैं, उसका ला करके गौशाला में पहुँचा देते हैं। गौशाला में इसका कैसे सेवन होगा? लोग कहते हैं कि गौशाला बदहाल स्थिति में है, तो हमारे समाज के लोगों ने ही इसे बदहाल बनाया है। 10 साल दूध दूहते हैं, जब गाय बूढ़ी हो जाती तो ला करके गौशाला में देते हैं और एहसान दिखाते हैं कि मैंने गौशाला को गाय दिया। वो गाय साल 2 साल में मर जाएगी, उसको साल भर अगर जिंदा रहती है तो कैसे खिलाया जाएगा, कौन उसको पानी पिलाएगा, इसका लोग नहीं सोचते हैं। लोग गौशाला का बदहाली पर बहुत पढ़ाई पढ़ते हैं, तो लोग इस तरह से अगर आ करके गौशाला में अपना कोई भी उत्सव हो, किसी तरह का उत्सव हो, अगर उसमें थोड़ा सा भी सहयोग करें और आ करके यहाँ पर मनाएं तो गौशाला अपने आप खुशहाल रहेगा। जैसे आज बहुत सारा गुड़, चोकर, फल वगैरह आया हुआ है, गाय खाएंगे तो मान लीजिए कि हर तरह से पशु के लिए भी बढ़िया चीज़ है और शुद्ध चीज़ मिल रहा है उनको खाने के लिए। तो मेरी भी जनता से अपील है, इसको देख करके लोग पहल करें कि कुछ तो सहयोग करें। बोलने से पहले, गौशाला पर आरोप लगाने से पहले आ करके कम से कम 5 रुपया का गुड़ तो खिला दें और तब गौशाला के बारे में बोलें। आज का पहल बहुत सकारात्मक है, मुझे इससे बहुत खुशी हुई कि ऐसे ऐसे लोग हमारे समाज में आते जाएँ और गौशाला अपने आप खुशहाल हो जाएगा, पहले की बात ही। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार के कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।